आज हम सभी मलेरिया के बारे में स्टडी करेंगे और इसका पर्पस ये है कि अगर सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम लिखेंगे कैसे। तो चलिए मलेरिया के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हेडिंग देखते हैं मलेरिया, तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यह क्या है, कम्युनिकेबल प्रोटोजोअन डिजीज। तो फर्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं कि इट इज़ कम्युनिकेबल प्रोटोजोअन डिजीज। सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि इनके काउजिंग एजेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, और काउजिंग एजेंट्स के बारे में क्या देख रहे हैं कि कॉज्ड बाय डाइजेनेटिक एंड ट्राइफेजिक प्रोटोजोअन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो इनके जो मेन काउजिंग एजेंट है वह प्लाज्मोडियम है। इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं जो कुछ इससे भी रिलेटेड हो, तो जो यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है कि इट इज़ कॉज्ड बाय ए डाइजेनेटिक एंड ट्राइफेजिक प्रोटोजोअन पैरासाइट प्लाज्मोडियम, या जो सिंपली वे में आपको बताए कि इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब इसके जो वेक्टर हैं, इसके वेक्टर और प्राइमरी होस्ट, तो वेक्टर और प्राइमरी होस्ट कॉमन है और उनका नेम क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और जो यहाँ पर देख रहे हैं आप डाइजेनेटिक, तो डाइजेनेटिक जो रिलेटेड हैं वह उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फीमेल एनोफिलीज के केस में जो कि प्राइमरी होस्ट हैं, इनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं जैसे ह्यूमन बींग, उनके केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये डाइजेनेटिक का कंसेप्ट क्लियर। तो जो यहाँ पर देख रहे थे कि वेक्टर प्लस प्राइमरी होस्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को, जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज जो हैं वह प्राइमरी होस्ट का भी काम कर रही हैं और वेक्टर का भी काम कर रही हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं, स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितने हैं, 4 हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पर पी के बाद जो डॉट देख रहे हैं, पी रिप्रेजेंट किसको करते हैं, प्लाज्मोडियम को, और प्लाज्मोडियम के बाद क्या देख रहे हैं यहाँ पर, वायवैक्स, जो कि इनके स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। जेनस होंगे प्लाज्मोडियम और स्पेसीज क्या होंगे, वायवस वायवैक्स। और यहाँ पर टोटल 4 स्पेसीज हैं किसके, प्लाज्मोडियम की। अब इसका जो नेम है कि प्लाज्मोडियम वायवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, अजीब टाइप का लगता है यार, कैसे याद होगा, सर में दर्द ऐसे से ही स्टार्ट हो गया है। और साथ में जो डिजीज हैं कि बेनाइन टर्सियर क्वार्टेन फीवर मेलिग्नेंट मलेरिया बेनाइन टर्सियर, तो अब इस डिजीज को कैसे याद रखें हम लोग और उसके स्पेसीज को कैसे याद रखें, तो उसके लिए सिंपल सा है कि जब आप खुश हो जाते हैं और किसी का फेस अच्छा लगता है तो क्या बोलते हैं, कम से कम वेरी ब्यूटीफुल। तो फिर आप सोचते होंगे कि वेरी ब्यूटीफुल मैंने किसको कहा, तो वेरी ब्यूटीफुल मैंने किसको कहा जानना चाहेंगे, मैंने वेरी ब्यूटीफुल किसको कहा, तो मलेरिया क्वीन को, किसको कहा, मलेरिया क्वीन को। तो आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो क्वार्टन है, क्वीन तो नहीं है, ये याद करने का ट्रिक्स है, मैंने किसको देखा, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी में क्या आता है भी, तो भी से क्या हो गया, वायवैक्स, वेरी ब्यूटीफुल, और बी से क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल के स्थान पर, बेनाइन टर्सियन। तो वेरी ब्यूटीफुल, बी फॉर वायवैक्स एंड बी फॉर ब्यूटीफुल, और वेरी ब्यूटीफुल कौन है, क्वीन है, और वह क्वीन का नेम क्या है, मलेरिया। तो वेरी ब्यूटीफुल कौन है, मलेरिया क्वीन है, लेकिन क्वीन के स्थान पर किसका यूज करेंगे, क्वार्टेन फीवर। अब ये जो वेरी ब्यूटीफुल मलेरिया क्वीन जो हैं, इनको चाहिए एफएम रेडियो लॉकडाउन में सुनने के लिए। तो एफएम रेडियो, तो एफएम रेडियो का क्या मीनिंग होगा, तो एफएम, तो एफ से क्या हो गया, फैल्सिपेरम, और एम से क्या हो गया, मैलिग्नेंट मलेरिया। एफएम रेडियो, एफ से फैल्सिपेरम और एम से मैलिग्नेंट मलेरिया। तो वेरी ब्यूटीफुल मलेरिया क्वीन है जिनको क्या चाहिए, एफएम रेडियो। अब इस एफएम रेडियो को ये सुनना कहाँ पसंद करेंगी, तो ये क्या चाहती हैं, इनको एक बोट मिले,
बी ओ ए टी, इनको क्या चाहिए? एक बोट चाहिए। और उस बोट का किस कंट्री में जाके यूज करेंगे? तो साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में। आप सोचते हैं कि मैंने बी ओ ए टी का यूज क्यों किया, बोट का क्यों यूज किया? जो वेरी ब्यूटीफुल मलेरिया क्वीन है उनको एफएम रेडियो सुनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोट का यूज क्यों किया, और इस बोट को किस कंट्री में चलाना है? तो साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बोट चलेगा, यहाँ बोट का जो स्पेलिंग देखते हैं बी फॉर, क्या होगा? बेनाइन, टी फॉर टर्सियन, ओ फॉर ओवल, ए को छोड़ दीजिए, और उस केस में चाहे तो हम ए को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? बी ओ टी बोट, बी ओ टी बोट, बी फॉर बेनाइन, टी फॉर टर्सियन, ओ फॉर ओवल। और बोट को कहाँ चलाना चाह रहे हैं? साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका। तो इस टेक्निक का अगर यूज करते हैं तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वह प्लास्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले आप जान ही चुके हैं कि इसके टू होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट जो होते हैं वह ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग के केस में यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और फीमेल एनोफिलीज के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब इस लाइफ साइकिल को समझना है, और इसके लाइफ साइकिल को कैसे हम इसी वे में याद रखें कि आपको एग्जामिनेशन में उसका बेनिफिट हो सके। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये डेली लाइफ एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मलेरिया कैसे होता है? आप भी जानते हैं कि आप कहीं बैठे होंगे, सपोज डैट हम यहाँ पर स्टैंडिंग वे में है, अब कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आई और हमको बाइट की, और बाइट करेगी, तो वह बाइट करने का पर्पस क्या है? कि वह ब्लड को लेना चाहती है, लेकिन गिफ्ट भी कुछ देना चाहती है, और गिफ्ट में क्या देती है? सेलेवा और एस्पोरोजोइट्स। तो सेलेवा तो आप समझ रहे होंगे कि सर सेलेवा तो पड़े थे ह्यूमन बींग के डाइजेशन में, कि माउथ में जो सेलेवरी ग्लैंड होते हैं उससे सेलेवा निकलता है, वेरी गुड। अब यहाँ पर एस्पोरोजोइट्स क्या है? तो एस्पोरोजोइट्स को कहा जाता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोस हैं जब वह ह्यूमन बींग को बाइट करती हैं तो ब्लड तो लेती हैं, साथ में जो गिफ्ट में देती हैं सेलेवा के साथ एस्पोरोजोइट। अब वह जो एस्पोरोजोइट्स हैं ब्लड के हेल्प से सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं? तो लीवर में। तो इसको आप एक चार्ट के थ्रू भी तैयार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिंबल किसका है? फीमेल का, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोस हैं, और ये बाइट्स किसको कर रही हैं? हेल्दी पर्सन को। और जब बाइट्स करती हैं हेल्दी पर्सन को तो रिलीज क्या करती हैं? एस्पोरोजोइट्स। मैंने आपको बताया था एस्पोरोजोइट्स के साथ सेलेवा भी रिलीज करती हैं। अब ये जो एस्पोरोजोइट्स हैं वह ब्लड के हेल्प से कहाँ पहुँचती हैं? लीवर में। और जब ये लीवर में पहुँच जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो लीवर में क्या किए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब लीवर सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और आप सभी को मालूम होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज कर जाते हैं, भले उनका लाइफ स्पेन काफ़ी कम हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कहाँ? लीवर सेल में। तो लीवर सेल में इनका पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा, और वह सेल क्या होगा? बर्स्ट करेंगे। और जब बर्स्टिंग का केस होगा तो वहाँ से वह कहाँ जाना चाहते हैं? आरबीसी में। कहाँ पहुँच गए? आरबीसी में। तो आरबीसी में भी वह सेम नेचर है उनका जो कि लीवर में प्रजेंट की थी, तो लीवर में क्या की थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी जब वह आरबीसी में पहुँचते हैं तो आरबीसी में भी क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा? काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर यहाँ पर बर्स्टिंग का केस आएगा। और जब बर्स्टिंग का केस आएगा तो इस स्टेज में आरबीसी के केस में जब बर्स्टिंग का केस आता है तो उस स्टेज में टू सब्सटेंस जो देख रहे होंगे एरो के ऊपर हेल्प से, एक अपवार्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवार्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं।
कि आरबीसी के केस में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण बर्स्टिंग का केस आता है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बर्स्टिंग है, रिलीज क्या हो रहे हैं, हीमोज्वाइन। और ये जो हीमोज्वाइन जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब ये रिलीज होते हैं तो पेशेंट का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है और वह चील फील करते हैं, और आफ्टर सम टाइम्स कुछ देर के बाद टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। तो वह सिम्टम्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आप सभी जानते हैं कि मलेरिया का सिम्टम्स है। तो जब हीमोज्वाइन रिलीज हो जाते हैं, कब रिलीज होते हैं, बस्टिंग होते हैं, कौन, आरबीसी के केस में। जब आरबीसी के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बस्टिंग का केस हुआ, हीमोज्वाइन रिलीज किए, और हीमोज्वाइन के कारण बॉडी का टेम्परेचर एक्सेस डाउन हो गया, फिर टेम्परेचर एक्सेस हाई हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रिलीज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, हीमोज्वाइन के बाद जो रिलीज हो रहे हैं वह कौन रिलीज हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो रिलीज होते हैं वह किस में रिलीज हो रहे हैं, ह्यूमन बींग के ही केस में, याद रखेंगे किसके केस में रिलीज हो रहे हैं, ह्यूमन बींग के केस में रिलीज हो रहे हैं। और जैसे रिलीज होते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को मिल जाता है। जैसे होता है ना कि आप कहीं चीनी गिरा देते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन किसको मिल जाता है, चींटी को, या कहीं मिठाई डाल दिए अगर वह ओपन फॉर्म में है, कहीं नीचे गिरा हुआ है, तो आप जानते होंगे चींटी बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाती है। उसी ढंग से जैसे रिलीज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स ह्यूमन बींग में, तो उसका इन्फॉर्मेशन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को चल जाता है, और उसके बाद फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती हैं, उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती हैं। और जब बाइट करती हैं तो इस बार वह रिसीव करती हैं ब्लड के साथ किसको, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को। अब वह जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो ह्यूमन बींग के केस में था, अब वह किस में चला गया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज में। और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के गट में मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, फिर से प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज तैयार होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पोरोजॉइड्स। अब ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के माउथ में इंट्री मारते हैं, और माउथ में स्पेशली सेलेवरी ग्लैंड में, और सेलेवरी ग्लैंड में जैसे वह पहुंच जाते हैं तो ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज हैं, जो यहाँ पर सिंबल है फीमेल का, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज हैं, वह रेडी रहती हैं किसको बाइट्स करने के लिए, तो हेल्दी पर्सन को। तो इसी ढंग से ये जो साइकिल होते हैं वह रिपीट होते हैं। लेकिन यह क्या है, कम्युनिकेबल प्रोटोजोअन डिजीज है। पहले एक इन्फेक्टेड पर्सन में था, अब उस इन्फेक्टेड पर्सन से मेल एंड फीमेल गैमेट को रिसीव करके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो रेडी हो जाती है, वह आप किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को देखती है, तो कम्युनिकेबल एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो इसको अगर आसानी से याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस ढंग से चार्ट बना लें और इसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। रही डायग्राम की बात, तो एनसीईआरटी में डायग्राम काफ़ी आसान है। फिंगर का एक बनाइए पिक, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, देन आफ्टर जो होंगे लीवर, फिर वहाँ से आरबीसी, बस्टिंग का केस दोनों में दिखाइए। फर्स्ट स्टेज में स्पेशली इन द केस ऑफ आरबीसी में आप हीमोज्वाइन को रिलीज कीजिए, सेकेंड में मेल एंड फीमेल गैमेट को रिलीज कीजिए। हीमोज्वाइन जो होते हैं उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, फिर काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। और मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब रिलीज होते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को मिल जाता है, अब वह इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट को रिसीव करेंगे, और वह मेल एंड फीमेल गैमेट मॉस्किटोज के गट में जाते हैं, जहाँ पर दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जायगोट से इन्फेक्टिव स्टेज तैयार किसका होता है, प्लाज्मोडियम का, जिसको कहते हैं स्पोरोजॉइड। और वह स्पोरोजॉइड्स फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के सेलेवरी ग्लैंड में पहुँच जाते हैं। बस इसी ढंग से याद रखें और इसको 10 से 15 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर ले। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके पास मिल जाएगा। तो कृपया
आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।